आप सभी जानते हैं कि भारत में साल पड़ने वाली भीषण गर्मी लोगों को रुला रही है और इस गर्मी में घंटों बिजली की कटौती मानो लोगों पर कहर बरपा रही हो। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ये भीषण गर्मी लोगों को चोर बनने पर मजबूर कर सकती है? सुनकर आपको भी जरूर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ संध्या। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गर्मी लोगों को किस चीज के लिए चोरी करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हर एक खबर से रूबरू हो सकें। तो हम बात कर रहे थे कि भीषण गर्मी ने लोगों को चोर बना दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के बनासकांठा में पानी की चोरी को लेकर FIR दर्ज हो गई, जहां पर एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उन्होंने कहा कि पानी के पाइप में छेद कर पानी चुराया जा रहा है, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें सरपंच का भी नाम शामिल है। दरअसल सरकारी पाइप में मवेशियों लोगों के लिए पानी पहुंचाया जा रहा था और वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोस के गांव के जो सरपंच हैं, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर पाइप में छेद करके पानी चुराने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि चोरी का जो मामला होता है आपराधिक मामला होता है, तो इसलिए पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। हालांकि क्षेत्र में गर्मी के वक्त पानी की बहुत किल्लत होती है और ऐसे इलाकों में पानी की बूंद अमृत के समान है। अब आप समझ सकते हैं कि आसमान से बरसी हुई आग लोगों को पानी की चोरी करने पर मजबूर कर रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमको जरूर दें।